मुरादाबाद के बुद्धि विहार में आयोजित जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इस बार हमारे जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। ये सपा बसपा सपा ये बुआ बबुआ 15 साल राज के क्या हाल किए थे, उत्तर प्रदेश का लोग पलायन करने लगे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब मांगती है कि आपके शासन में कितने दंगे हुए थे। 700 से अधिक दंगे हुए थे। अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपको याद है ना कि राम भक्तों पर गोली किसने चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने चलाई थी। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार के नोटों से बोरे भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि जब लड़कियों का बलात्कार होता था तो ये कौन कहता था कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये सोचती समाजवादियों की। अगर बहन बेटियों की सुरक्षा है तो वह भाजपा में है। अमित शाह ने कहा कि आज योगी जी की सरकार बनी है, दंगा करने वालों की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती है। जब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया तो उनके पेट में मचलन हो रही थी। क्या मुस्लिम माताओं और बहनों को इस कुप्रथा से आज़ादी का हक नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश है, इनका इसका नाम ही नहीं मालूम, ये सिर्फ जिन्ना जिन्ना करते हैं। अमित शाह ने कहा कि आपको याद है जब सपा की सरकार थी तो बिजली कितनी आती थी, ये सपा वाले बिजली रानी को भी उठा ले गए थे। आज भाजपा की सरकार है तो बिजली रानी को लाने का किया है। ये सपा वाले तो विकास ही नहीं कर सकते, बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं गई है। अरे चुनाव आ गया है बहन जी, थोड़ा बाहर भी आ जाओ, इसे भी पढ़े। एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचेंगे सीएम योगी। हिरासत में लिए गए सपा पदाधिकारी अमित शाह ने कहा कि बुआ बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाएं तब भी भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई प्रकार की प्रयोगशाला लैब बनाई है। सपा की लैब का मतलब है एल फॉर लूट, ए फॉर आतंक, बी फॉर भ्रष्टाचार। उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुक्ति दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, संजय भाटिया जी, हमारे युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, मेरे मित्र और यूपी सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, सतीश गौतम जी, हमारे सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतपाल सैनी जी, और आज ये विशाल जनसभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज राम गंगा की इस पवित्र भूमि पर मैं जन विश्वास यात्रा के साथ आया हूं। सर्वप्रथम मैं यहां पर विराजमान मां काली झारखंडी शिव और 24 घंटा शिवलिंग को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पीतल नगरी से के नाम से ये मुरादाबाद जाना जाता है, जाना जाता है ना। ये पीतल नगरी की पहचान किसने वापिस दिलाई भैया, बताओ जरा किसने? योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, एक जिला एक उत्पाद में हमने पीतल के बर्तनों को जोड़कर इसको फिर से पीतल नगरी बनाने का काम किया है। मित्रों, मैं 4 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, मेरी ये 9वीं
पर भी जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है। जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं मित्रों। ये जन सैलाब जो दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यूपी में फिर से लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मगर इस बार हमारे जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। मुझे बताओ 300 पार करोगे भाई? जोर से बोलो करोगे भाई? तो मैं बोलूंगा आपकी बार, आप बोलोगे भाजपा 300 पार। बोलोगे आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। देखो भाई 300 पार करनी है तो मुरादाबाद एक ही जनपद है जहां हम घाटे में रहे थे। इस बार संकल्प करिए मुरादाबाद से 6 की 6 सीटें कमल के निशान वाली निकलनी चाहिए। मुझे बताओ निकलेगी क्या? निकलेगी मित्रों? ये सपा बसपा बसपा सपा, ये मुआ बबुआ 15 साल राज करे, 15 साल क्या हालत करा था हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहां से लोग पलायन होने लगे थे बाबू हुकमदेव जी को, यहां से पलायन के विरोध में आंदोलन करना पड़ा था। करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? जोर से बोले करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? आज पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं, जनता को लड़ने की जरूरत नहीं। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है, आप बताइए आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते, मैं दे देता हूं। अखिलेश बाबू के शासन में 700 दंगे हुए थे। ये मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह का प्रदेश पूरा लहू लुहान कर कर रख दिया। और आज योगी जी की सरकार बनी है, दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं है, आंख उठाकर चौक देखने की मित्रों हिम्मत नहीं। मित्रों आप, मैं आज अखिलेश जी को इतना पूछता हूं, अखिलेश जी मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर बनाया, नींव डाली या नहीं डाली बताओ भाई? जरा जोर से बोलो डाली या ना डाली? ये राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन पर गोलियां किसने चलाई थी? जोर से बोलो किसने चलाई थी? सपा पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई। डंडे किसने चलाए थे? किसने चलाए थे? अब आपने 2014-19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया। मैं आपको बताकर जाता हूं अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी राम लल्ला का मंदिर बनने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अखिलेश बाबू आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद,
जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अगर लाना है तो छे की छे सीटें आपको मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ेगी मित्रों, झोली में डालना पड़ेगी मित्रों। यहां पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा था, बलात्कार हो गया, उन्होंने कहा लड़कों से गलतियां हो जाती है। कहा गया या नहीं कहा गया? कहा गया या नहीं है? माताओं की सुरक्षा, बहनों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का वचन है उत्तर प्रदेश की जनता को। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की छेड़खानी कर पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। तो और मैं आज कह कर जाता हूं, फिर से भाजपा सरकार बनने वाली है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि यहां पर फिर से कोई मां बहनों की छेड़खानी कर पाए। मित्रों ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटा दिया, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? इनके पेट में मचलन हो रही है, ट्रिपल तलाक क्यों हटाया? अरे भाई, मुस्लिम माताओं बहनों को क्या अधिकार नहीं है? है या नहीं है बताओ? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अखिलेश जी, मुस्लिम माताएं बहनें भी देख रही है कि ये आप इतना विरोध कर रहे हो। मित्रों अरे सुनो यार, सुनो, इन्होंने यहां एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए प्रकार की प्रयोगशाला। प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टूमका अक्षर में लैब कहते हैं। लैब का एल से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे ओरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम। ऐसे होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहां है? उनको जेल में मनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते तो वो जेल में रहेंगे क्या? बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनानी पड़ेगी।